हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। पठान एकम अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताहों के साथ IMAX 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफील्ड एक के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल हैं। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यशराज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से
अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत सचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह वायरफ स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 0 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन इब्राहिम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खीर गमल है। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यश राज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया।
इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अबराम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और काटिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है कि फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन IMAX थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात, पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ IMAX 4DX और मानक प्रारूपों
में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन हॉट फीड एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन इब्राहिम जिम के रूप में हॉट फील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष रानम, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल हैं। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यश राज फिल्म्स, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और गाडीज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था।
पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह वायरएफ स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 0 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफिट एक्ट के लीडर है। दीपिका पादुकोण, आशुतोष रानम, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में है और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खीर गमल है। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यश राज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड-19 के लिए
सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोरकम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत सचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात, पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ IMAX 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन इब्राहिम जिम के रूप में आउटफील्ड एक के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष रानम, कर्णन सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल हैं। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यशराज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली
पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मन कास्टिंग डायरेक्टर थी। खान को शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्यों सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर काम और गाडीज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत सचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईमैक्स आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वही बात, पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और जीरो 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन इब्राहिम जिम के रूप में आउटफील्ड एक के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील
लूथराम के रूप में है और डिंपल कपाड़िया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल है। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यश राज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। खान को शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। अभी बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोरकम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है कि फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन IMAX थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात, पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF
स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और जीरो 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन इब्राहिम जिम के रूप में आउटफील्ड एक के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खीर गमल हैं। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यश राज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र की टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोरकम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत सचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है कि फ्रेंचाइजी 2000
2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईमैक्स आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाबूजी 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह वायरएफ स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफिट एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष रानम, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल हैं। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यशराज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में
अपनी भूमिका दोहराती हुई एक केमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत सचिन बलहारा और अंकित बलहारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करण के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह वायरफ स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 0 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खीर गमल है। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यश राज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र की टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और
विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्यों सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर काम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो IMAX थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की रिसेप्शन के बारे में, तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात, पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ IMAX 4DX और मानक
रारुकु में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन इब्राहिम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष रानम, कर्णम, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल है। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यश राज फिल्म्स, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर काम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होनी थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है कि फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था।
पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह वायरएफ स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड़ गमल हैं। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यशराज फिल्म्स, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड-19 के लिए
सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें उनके म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत सचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर श्रॉफ टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें उनके रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करण के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात, पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ IMAX 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल हैं। वही बात करें उनकी प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यशराज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली
पहली बॉलीवुड फिल्म है। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मन कास्टिंग डायरेक्टर थी। खान को शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्यों सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईमैक्स आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वही बात, पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और जीरो 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमियर के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफिट एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील
लूथराम के रूप में है और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल है। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यशराज फिल्म्स शाहरुख खान दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोरकम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है कि फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो ICN थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF
स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और जीरो 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ IMAX 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन इब्राहिम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खीर गमल है। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यश राज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र की टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। अभी बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर काम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के
जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करण के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और जीरो 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष रानम, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल हैं। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यशराज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में
अपनी भूमिका दोहराती हुई एक केमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले हाशन सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और गाडीज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होनी थी लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत सचिन बलहारा और अंकित बलहारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह वायरफ स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और जीरो 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेल गमल है। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यश राज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई
मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोरकम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन IMAX थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ IMAX 4DX और मानक प्रारूपों
में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन इब्राहिम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खीर गमल हैं। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यश राज फिल्म्स, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र की टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर काम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था।
पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह वायरएफ स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफील्ड एक के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल हैं। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यशराज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड-19 के लिए
सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोरकम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत सचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर श्रॉफ टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और जीरो 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ IMAX 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफिट एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल हैं। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यश राज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र की टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली
पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो शानू शर्मन कास्टिंग डायरेक्टर थी। खान को शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। अभी बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्यों सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और काडीज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है कि फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईमैक्स आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाबूजी 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात, पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और जीरो 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफिट एक्ट के लीडर है। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील
लूथराम के रूप में है और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल है। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यश राज फिल्म्स, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत सचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन IMAX थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वही बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह YRF
स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और जीरो 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन इब्राहिम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खीर गमल हैं। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यश राज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर काम और गाडीज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है कि फ्रेंचाइजी 2000
2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। कोई बात पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह वायरएफ स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफील्ड एक के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष रानम, कर्णन, सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड गमल है। कोई बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यशराज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की
पुष्टि की गई थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्यों सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर काम और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है की फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और आईमैक्स संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन आईमैक्स आईसीएन थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वही बात, पठान एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है। यह वायरएफ स्पाइन यूनिवर्स में चौथी किस्त है और 0 2018 के बाद शाहरुख खान की पहली मुख्य भूमिका में ये फिल्म बनने वाली है। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया जा रहा है जो भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ आईमैक्स 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब संस्करण के साथ जारी किया गया था। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो पठान एक निर्वासित रॉन फील्ड ऑपरेटिव को भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहे एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स को गिराने का काम सौंपा गया है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पठान के रूप में शाहरुख खान एक रॉ फील्ड एजेंट है और जॉन अब्राहम जिम के रूप में आउटफील्ड एक्ट के लीडर हैं। दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, कर्णन सुशील लुथराम के रूप में हैं और डिंपल कपाडिया है। अंडर कवर कॉप के रूप में सिद्धार्थ खेड़ गमल हैं। वही बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यशराज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को आधिकारिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की घोषणा की। पहली नज़र के टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। इससे पहले कई मौके पर सलमान खान और विशाल
ददलानी सहित अन्य कलाकारों द्वारा इसे छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य में कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म IRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज और IMAX कैमियो के साथ शूट की जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। दो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में लिया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में निर्माण में शामिल हो गई थी, जबकि अब्राम ने जून में मुख्य कलाकारों को मुंबई में फिल्मांकन में शामिल किया। डिंपल कपाडिया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हुए एक कैमियो उपस्थिति बनाने की पुष्टि की गई थी। अभी बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई चला गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन सीक्वेंस को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों के COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल स्थगित कर दिए गए। फिल्मांकन 25 जून 2021 को फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई 2021 में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। मलोर का और कार्डिज में 7 अक्टूबर 2021 से एक गाने की शूटिंग होने थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है और संगीत संचिन बलहारा और अंकित बल्लारा द्वारा रचित है। टाइगर के फ्रेंड जिंदा है कि फ्रेंचाइजी 2017 में पहले सहयोग करने के बाद विशाल शेखर ने निर्माता मेघदीप बोस के साथ फिर से फिल्म के संगीत की व्यवस्था और निर्माण पर काम किया। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ साथ तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ पठान को भारत में मानक और IMAX संस्करणों में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। पठान पहली भारतीय फिल्म ही थी जो इन IMAX थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो पठान ने एडवांस बुकिंग में 5.21 लाख टिकट बेचे और KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ा और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद दूसरे स्थान पर रही। वही बात इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।